अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्मर के और एक टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है गाइस सिलिका जेल। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो को चेकआउट करा होगा तो उसमें मैं बताया था कि ट्रांसफॉर्मर के जो ब्रीदर होता है आखिर वो किस तरह से वर्क पे आता है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं करा तो ऊपर आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक देता हूँ, एक बार आप उसे चेकआउट जरूर कर लेना ताकि ब्रीदर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो जो है आपका क्लियर हो जाए। एंड ब्रीदर के अंदर यूज़ होता है सिलिका जेल। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सिलिका जेल आखिर क्यों यूज़ होता है, सिलिका जेल जो यूज़ करते हैं तो वो हेल्दी कंडीशन पे किस कलर का रहता है, एंड सिलिका जेल का जो लाइफ साइकिल है उसे हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे, एंड जो सिलिका जेल का यूज़ हम लोग ब्रीदर के अंदर करते हैं आखिर वो कितने साइज का रहता है। तो इन तीनों टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लेना ताकि मेरे जो भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपके तक सबसे पहले पहुँच जाए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सो गाइज, अब बात करते हैं सिलिका जेल के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं नॉर्मल जो डेली लाइफ पे यूज़ होता है ना उसके बारे में बताना चाहूँगा सिलिका जेल से रिलेटेड। अगर आप एक नए फ़ोन ख़रीदने गए होगे या फिर नए LCD TV ख़रीदने गए होगे या फिर आप वॉशिंग मशीन ख़रीदने गए होगे, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इक्विपमेंट, तो उसमें भी जो है सिलिका जेल का यूज़ होता है। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो इमेज से एंड अच्छे समझ पा रहे हो, तो इसका वर्क ये रहता है कि जो भी मशीन है अपना उसके अंदर जो एयर है उसके सराउंडिंग पे उसमें कोई भी अगर मॉइस्चर हो तो उस मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लें। एक्चुअली क्या है कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जो है एक तरह का ऑयल का यूज़ होता है। ओके, एंड जब अपना ट्रांसफार्मर पे लोड बढ़ जाता है एंड जब गर्मी के टाइम पे ट्रांसफार्मर में लोड बहुत ज़्यादा रहता है तो अपना जो ऑयल है जो कि इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो जो है एक्सपेंड करता है, एंड रात के टाइम पे जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है या फिर लोड कम होता है तो वो जो ऑयल अपना एक्सपेंड करता है वो फिर अपने फाइनल पोजिशन पर आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑयल जो है एक्सपेंड कर रहा है, फाइनल पोजिशन पर आ रहा है, ये प्रोसेस आखिर कहाँ होता है? तो अपने ट्रांसफार्मर के जो कंजर्वेटर टैंक है उस कंजर्वेटर टैंक में ये सारा प्रोसेस होता है। तो जब ऑयल का लेवल एक्सपेंड करता है तो उस जगह में जो एयर है वो कहीं से तो बाहर आ रहा है, तो वो जो है अपने ब्रीदर के थ्रू बाहर आता है, एंड जब वो अपने फाइनल पोजीशन पे आता है ऑयल का लेवल, तो उस कंडीशन पे ब्रीदर के थ्रू ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है। ओके, तो इस कंडीशन पे जब एयर अपने ट्रांसफार्मर के ब्रीदर के थ्रू ट्रांसफार्मर के अंदर यानी कि कंजर्वेटर टैंक में जा रहा है, तो इस कंडीशन पे जो एयर है उसके अंदर अगर कोई भी मॉइस्चर रहेगा तो उस मॉइस्चर को अपना जो ये सिलिका जेल है वो एब्जॉर्ब करेगा एंड एक क्लीन एयर जो है हमारे कंजर्वेटर टैंक के अंदर जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि सिलिका जेल नहीं रहता, ब्रीदर नहीं रहता एंड मॉइस्चर युक्त एयर अगर कंजर्वेटर टैंक में चला जाता तो क्या होगा? तो क्या होगा, देखो, अपना जो ये ऑयल है ये जब बाहर का मॉइस्चर के साथ जो है रिएक्शन कर सकता है, अपना जो ऑयल है ट्रांसफार्मर के अंदर जो कि इंसुलेशन के लिए यूज़ होता है तो उसका इंसुलेशन का एक जो है लाइफ साइकिल होता है एंड वो जो है कम हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं देखोगे तो आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर जो है ये हानि पहुँचाता है एंड आपके ट्रांसफार्मर का जो इफ़िशियंसी है वो भी जो है कम हो जाता है। तो इस कंडीशन पे हम लोग ब्रीदर यूज़ करते हैं एंड ब्रीदर के अंदर जो है सिलिका जेल को डाला जाता है ताकि कोई भी अगर एयर पे मॉइस्चर हो तो उस मॉइस्चर को अपना सिलिका जेल जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। ओके, तो जिसके वजह से सिलिका जेल का यूज़ हमारे ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो सिलिका जेल है आखिर ये इसका लाइफ साइकिल किस तरह से चलता है। तो देखो गाइस, अपना जो ये सिलिका जेल है, इस सिलिका जेल को जब आप अपने इंडस्ट्री पे ब्रीदर के अंदर फिलअप किए होंगे तो देखोगे कि इसका कलर जो है पूरा का पूरा ब्लू रहता है एंड धीरे धीरे जब ये सिलिका जेल एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता रहेगा तो इसका कलर जो है धीरे धीरे पिंक कलर का हो जाएगा। तो आपको समझ जाना है कि ये सिलिका जेल को जो है अभी हमको चेंज कर देना है। एंड ये जो सिलिका जेल है आखिर इसका साइज कितना से कितना के बीच में रहेगा, ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिलिका जेल है इसका साइज गाइस 4 to 8 mm के बीच में रहता है, इस चीज़ को आपको जो है बिल्कुल ध्यान पे रखना है। सो गाइस, मैंने आपको जो है 3 topic के बारे में बताया, सिलिका जेल का यूज़ क्यों किया जाता है, सिलिका जेल का लाइफ साइकिल कैसे समझना है एंड ये जो सिलिका जेल है उसका आखिर साइज क्या होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में अभी पुट करो एंड अपना फीडबैक जरूर देना ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है या फिर नहीं।
एंड गाइस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट मिलेंगे। ओके, एंड कुछ भी सवाल होता है आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM कर दो या फिर कमेंट सेक्शन में कर दो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर ट्रांसफार्मर के और एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पर आप और कुछ सीख सकोगे ट्रांसफार्मर के बारे में। एंड ट्रांसफार्मर का एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर, उस प्लेलिस्ट को आप जो है एक बार चेकआउट कर लेना, बहुत सारे वीडियोस आपको जो है पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।